आज छत्तीसगढ़ की भी करते हैं, जहां अब तक 33 के करीब कोरोना के मामले हैं, जिसमें 16 एक्टिव केस बताए जाते हैं, जबकि 17 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। इसमें 7 मरीज बुधवार को ही स्वस्थ होकर अपने घर गए। और प्रदेश में कोरोना का कटघोरा सरकार के सबसे बड़ी परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे, तो वहीं बीते दिन ही कटघोरा के एक ही घर के 5 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा स्थिति पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, पहले स्थिति पर काबू पा लिया गया और अब स्थिति कहीं ना कहीं हाथ से निकलती जा रही है कोरोना को लेकर। देखिए, जरूर केसेस बढ़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों से यदि कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ अभी भी सेफ जोन बना हुआ है। दरअसल जो मामले आ रहे हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए ज्यादातर मसले हैं। अकेले कटघोरा में ही 22 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और ये जितने भी मरीज बढ़े हैं इनमें ट्रांसमिट हुआ है और ऐसे प्रकरण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बावजूद उसके सरकार ने तमाम एहतियात बरतते हुए जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन तय किया, उसके हिसाब से काम किया, ये बताता है कि राज्य में कोरोना की जो संभावित आंकड़े थे उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अब भी तकरीबन 16 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका एम्स में इलाज चल रहा है और जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार बातचीत हमारी चल रही है, ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनमें अब लगभग स्थिति ठीक होने की है और 2-4 दिनों के भीतर ये सुनने को जरूर मिलेगा कि कई और मरीजों को एम्स ने डिस्चार्ज किया है। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और साथ ही अगर लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या उन पूरी गाइडलाइन को फॉलो वहां पे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है? क्योंकि वाकई में आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर किया जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर बताई जाती है, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ना चिंता का सबब तो है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है और इस बीच एक बड़ा आपको अपडेट दे दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को 3 जोन में बांट दिया है, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन। इन 3 जोनों में 23 जिले ऐसे हैं जिनको ग्रीन जोन में रखा गया है और ग्रीन जोन का मतलब है कि इन जिलों में कोरोना के सिम्टम्स कम देखे गए हैं, यानी संभावित मरीजों की का अनुमान जो राज्य सरकार लगा रही है वो इन 23 जिलों में नहीं देखी जा रही है। इन 23 जिलों में कोरोना के सिम्टम्स एक भी अब तक सामने नहीं आया है, इसलिए इन जिलों को राज्य सरकार ने ग्रीन जोन में रखा है। रायपुर ऑरेंज जोन में रखा गया है और जो सबसे ज्यादा केसेस जिन जिलों से आ रहे हैं यानी कोरबा जिला, इसे रेड जोन में सरकार ने रख दिया है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, जरूर सरकार ने तमाम। आशीष जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सिंहदेव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहदेव जी, जी शुक्रिया आपको भी। जी हम अगर कोरोना को लेके बात करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? तुलनात्मक संतोषजनक कह सकते हैं। हम उन राज्यों में भी नहीं है जहाँ एक भी केस नहीं आया जी, लेकिन लग कह लें, संयोग कह लें, हमारे सब पूरे टीम की मेहनत कह लें, जितने लोग भर्ती हुए हैं आधे से ज्यादा वापस जाने की स्थिति में हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं 33 में से 17, और जो 16 भर्ती हैं अस्पताल में उनके भी वायरल काउंट बढ़ने की जानकारी नहीं है बल्कि घटने की जानकारी है, तो उनके भी चांसेस डिस्चार्ज के हैं। बाकी चिंता बनी हुई है कि अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में, मई के पहले हफ्ते में बड़ा स्पाइक देश में आ सकता है, जो असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं अगर वो विद्यमान है समाज में और उनको खुद भी नहीं पता होगा ना किसी को पता होगा, क्योंकि ना खांसी है, ना बुखार है, ना सांस लेने में दिक्कत है, ना कोई दूसरे लक्षण है जी। उनसे अगर फैला होगा तो वही सबसे बड़ी चिंता है जी। हम लोग तैयारी करके रख सकते हैं, उस तैयारी की कोशिश में लगे हैं जी। चिंता वही है जी।
बिल्कुल, वाकई में चिंता तो यही है सिंधी जी, क्योंकि जिस तरह से जो तमाम कवायदे राज्य सरकार के द्वारा की जा रही, क्योंकि आप वाकई में एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति भी हैं और संवेदनशील पोर्टफोलियो भी आप देख रहे हैं, और आपके कार्य की सराहना भी वैसे भी हर जगह ही होती है क्योंकि आपकी संवेदनशीलता को हमने हर वक्त पर देखा है। सिंहदेव जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो इक्विपमेंट्स मुहैया कराए जा रहे हैं और जो केंद्र से भी जो आप लोगों को मदद मिली है, क्या वो माकूल है? हम लोग पीछे चल रहे हैं, ये सप्लाई का जो चेन है, सप्लाई की जो प्रक्रिया है, ये कम से कम 2 हफ्ते पहले इस स्थिति में हमको होना चाहिए था जिसमें हम आज हैं। शायद और पहले 2 हफ्ता नहीं तो 3 हफ्ता पहले आज की स्थिति में होना चाहिए था। बाकी केंद्र सरकार को भी दिक्कत मैंने सुना जा रही है क्योंकि विदेश से सामान मंगाना पड़ रहा है, यहाँ हमारी देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐसा लगता है कि नहीं है, और विदेश में भी दूसरे देश के लोग उठा ले जा रहे हैं, तो काफी परेशानियां हैं, दिक्कत है जी। और जो सामान उपलब्ध है उनको केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है कि हम लोगों के राज्यों के साथ भी बांटे और राज्य भी खरीदी में अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं। सिंधे जी, क्योंकि जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में कोरोना पेशेंट्स के रिकवरी के केसेस देखे हैं वो काबिले तारीफ है, तो क्या अन्य राज्य जो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगे हुए हैं जहाँ पे कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो क्या वहाँ से भी जो पेशेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, क्या उनका भी इलाज एम्स में चल रहा है? दूसरे राज्यों से तो नहीं आ रहे हैं जी, यहाँ अभी तो बैरियर्स भी सील्ड हैं। जो राज्यों से आए या तो विदेश से आए, अपने काम से गए थे, पढ़ाई में गए थे, घूमने के लिए गए थे जी। उनमें से जो लोकेट हुए लॉकडाउन के पहले, उनको निगरानी में रखा गया है, उनको फॉलो किया गया है, उनको ट्रेस किया गया है जी। और प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो अस्पताल में पहुंच सके ताकि जो भी ट्रीटमेंट किया जा सके, ऐसे तो कोई घोषित दवा नहीं है जी। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट उनके अस्पताल में हो सके वो इस स्टेज में ना हो कि जब वायरल बढ़ गया है, वायरल काउंट जब सीमित है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, कंपैरेटिवली माइल्डर स्टेज में है, उस स्टेज में अगर आप लोकेट करते हैं तो उनको इम्यून सिस्टम से मदद कराने में समय मिल जाता है और डिस्चार्ज की स्थिति बन जाती है। आप लेट होंगे, वायरल काउंट ज्यादा बढ़ गया है, फिर बचा पाना मुश्किल जी। बिल्कुल, क्योंकि अन्य राज्यों ने तो अपनी तैयारियां बाद में की लेकिन आप लोगों ने खतरे को भांपते हुए फरवरी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी सिंहदेव जी, तो ये जो सिचुएशन उसको आप लोगों ने उस वक्त परखा, जिसका नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि केसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ पाए। सिंहदेव जी, चलते चलते स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ की जनता और तमाम दर्शकों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये निवेदन करूंगा कि संयम बरते रहें, बहुत सहयोग मिल रहा है नागरिकों से, और गांव-गांव से ये खबर आ रही है कि लोगों ने स्वयं, कोई आदेश नहीं था लेकिन स्वयं ऐसी व्यवस्था बना ली है कि गांव में आने नहीं दे रहे, गांव से जाने नहीं दे रहे, और कोई भी व्यक्ति अगर गांव का भी है, अगर वो बाहर से आ रहा है तो सूचना शासन तक पहुंच जा रही है। तो ऐसा सहयोग बनाए रखेंगे, हाथ धोने जैसी क्रिया को अपनाते रहेंगे, शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कह रहे हैं, शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे, घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहन के जाएं, बिना मास्क के आने वाले महीनों में भी हमको घर से बाहर नहीं जाना है, सिर्फ अभी नहीं, ये संक्रमण हमारे साथ कुछ दिन तक और रह सकता है, कुछ महीने तक और रह सकता है, तो जीवन का एक आदत हमको हाथ धोने को बना लेना है, मास्क पहनने को बना लेना है, यथासंभव एक शारीरिक दूरी बना के चलना, हाथ मिलाने के बजाय प्रणाम कर लेना, ये ऐसे अपने जीवन में हम लोगों को क्रियाएं अपना लेनी होंगी जो कुछ समय तक हमारे जीवन का, सामाजिक जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। तो यही मैं कहूंगा कि बहुत सहयोग मिला है, संयम बना के रखिएगा, गर्मी के भी दिन आ रहे हैं, गर्मी के दिन में घरों में ज्यादा रहने का भी रहता है, तो मौसम भी उस नाते आपको कह रहा है कि बाहर मत निकलिए, कम से कम बहुत जरूरत हो तब जाएं, सुरक्षित जाएं, स्वस्थ रहें और अपने को और परिवार को और समाज को सुरक्षित रखें। बहुत शुक्रिया सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आशीष हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। आशीष, आखिर में आपकी प्रतिक्रिया? जानकारी पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब संदेश दिया था तब एक बात ये भी कही थी कि 20 अप्रैल तक
लॉकडाउन के अनुशासन का पालन करना है छत्तीसगढ़ में सभी को, लेकिन 21 अप्रैल को एक समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद जिस तरीके के संकेत हैं कि 23 जिलों में तो ग्रीन जोन है ही, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार 21 अप्रैल को बड़ा डिसीजन लेगी और डिसीजन में कुछ रिलैक्सेशन लोगों को दे सकती है। तो ये एक बड़ी कवायद राज्य सरकार के आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए।